हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक और स्टेज सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 22 तारीख से, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। मेरे को तो इसका रीजन बिल्कुल समझ में आता है नहीं कि भाई ऐसी क्या जरूरत उड़ानी पड़ी कि आप वर्ल्ड कप से ठीक पहले खिलाड़ियों को फ्रेशन अप होने के बजाय इस तरह की सीरीज करा रहे हो। वर्ल्ड कप में ऑलरेडी प्रैक्टिस मैच वैसे भी हो रही है, तो फिर आप ये सीरीज क्यों करवा रहे हो? मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। वैसे भी इंडिया अपने घर में खेलने जा रहा है, अगर इस सीरीज में कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया फिर क्या करोगे भाई? खैर जो भी है, आज हम प्रीव्यू करेंगे इस सीरीज का, क्या उम्मीदें हैं हमें इस सीरीज से, क्या हो सकता है। तो फटाफट बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसका प्रीव्यू। मैंने एक कॉन्टेस्ट निकाला हुआ है, 1 सवाल 1 लाख, यानी कि अगर आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना और आप जीत जाते हैं तो आपको 1 लाख मिल सकते हैं। तो बाकी जो वीडियो है कंप्लीट, उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। आई होप यू आर द लकी वन। करते हैं बात स्क्वाड की। तो पहले तो दो मैचों की टीम है ना ये, इसमें रोहित शर्मा नहीं, कोहली भी नहीं है, तो ये पहले दो मैचों वाली टीम है। एक मैच उससे अलग बचता है, उसका मैंने डाला नहीं है, वो देख लेंगे उसका, क्योंकि अब मैं अलग से करूं उसका एक मैच के लिए तो वो भी थोड़ा बात समझ में नहीं आती। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो जो सिलेक्टर्स का अप्रोच है वो शायद ये है कि वर्ल्ड कप से पहले वो गायकवाड़ वगैरह को ट्राई करना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। पर गायकवाड़ और गिल दो फ्यूचर है भारत के, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। गिल एज एन टेक्निकल प्लेयर बहुत सॉलिड है, गायकवाड़ एक बार सेट होने के बाद बहुत अच्छी हिटिंग करता है, तो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि गायकवाड़ आने वाले टाइम में कंसिस्टेंटली ओपन करे भारत के लिए। इसके बाद वन डाउन आपका अय्यर, अय्यर को टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे हैं, कौन सा प्लेयर को हम एज ए बैकअप प्लेयर देख सकते हैं। देन आपके आते हैं राहुल जो कप्तान है सीरीज के, और ईशान किशन स्काई। तो बेसिकली ट्राई उन प्लेयर को किया जा रहा है जो सेकंड आपकी स्ट्रीम में आ रहे हैं, यानी कि जिनको आप सोच रहे हो कि अगर ये प्लेयर इंजर्ड हो गया या मेरे को इन दोनों में से कोई एक चुनना है तो उसको खिलाऊंगा। तो मोटा मोटी देखे तो टीम जो है, आप गिल को जानते, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अय्यर जो है थोड़े से इंजुरी से कंसर्न उनको है, बट प्लेयर अच्छे हैं और वैसे भी घर में खेल रहे हैं यार, रन तो बना ही देंगे। उसके बाद राहुल हैं जो कि थोड़ा सा फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एक इनिंग में चले हैं एशिया कप में, मुझे ऐसी उम्मीद है यहाँ जरूर चलेंगे क्योंकि इंडिया में खेल रहे हैं भाई। फिर आपके ईशान किशन है नंबर 5 पे, ये बंदा जहां भी खेलेगा चलेगा, मुझे पसंद है बंदा ये खेलता हुआ। ओपनिंग में खेलता अगर ये तो मैं उतना लाइक नहीं करता इसको, वैसे इंडियन कंडीशन में तो ओपनिंग में भी रन बनाए गए। इसके बाद 6 पे स्काई, और ये स्काई के पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का, भाई वर्ल्ड कप में मेरा भी बनता है। तो और बाकी आपके साथ जडेजा हैं जो कि थोड़े आउट ऑफ टच लग रहे हैं इन दिनों, तलवारें घूमने रही हैं आजकल इनकी, लेकिन फिर आप जानते हैं शानदार है, थोड़ा भी पिच से हेल्प मिलता है तो ये ऐसे कर देते हैं। अब इन्होंने लिया है वाशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल की जगह, वो इंजर्ड हो गए हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव हो सकता है अगर आप जडेजा और अक्षर खिला रहे हो, उससे बेटर आप जडेजा और सुंदर खिलाओ, क्योंकि अगर सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर हैं तो सुंदर वहां पे काम आएंगे आपके। और बैटिंग भी मैं कहूंगा अक्षर थोड़े आगे हैं लेकिन सुंदर बहुत पीछे नहीं है। उसके बाद आपको मिलते हैं अश्विन, मुझसे अगर आप पूछते ना तो जब ऑलराउंडर की कमी खलती है टीम में तो मैं अश्विन को टॉप 6 में खिला देता, क्योंकि तो मैं चाहता कि एक प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर मेरे पास रहे। एनीवेज अगर आपको 9 पे अश्विन मिलता है जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए वन डाउन भी खेल चुका है, ओपन भी कर चुका है, हिट भी मार चुका है, तो बड़ी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ आपको मिलती है नंबर 9 के हिसाब से। सिराज 10 पे आ रहे हैं, उन्होंने लंका की लंका लगा दी भाई, अभी रिसेंटली पूरी टीम ऐसे आउट होगी, मैच कब शुरू हुआ कब खत्म पता ही नहीं चला। यही खासियत है सिराज और शमी की, जब पिच से हेल्प मिलता है तो बहुत लीथल बॉलर ये दोनों बन जाते हैं। शमी भी ऐसी बॉलिंग करते हैं, नागिन डांस करती है बॉलिंग की भाई साहब। शार्दुल ठाकुर 12 पे, ये एक ऑलराउंडर के तौर पर मेरे को पसंद है खिलाड़ी, बॉलिंग में ये महापिटा हुआ है, बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एक सी खासियत है पार्टनरशिप को, ये बंदा ब्रेक करके देता है, ये खासियत है, यूटिलिटी प्लेयर है। प्रसिद्ध कृष्णा मुझे एज ए बॉलर बहुत पसंद है, इनफैक्ट मुझे सिराज या मैं बोलूं शार्दुल से आगे प्रसिद्ध कृष्णा मेरे को पसंद है। हाई टच बंदे के पास पिच से बाउंस इसको मिलता है, बहुत बेहतरीन बॉलर इसको बोलते हैं, तो मेरे को तो बहुत पसंद है, लेकिन शायद जगह नहीं बन पाएगी, अदरवाइज एक अच्छी पिक है फ्यूचर इंडिया का। तिलक वर्मा एक और प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप सोचे तो, पर किसकी जगह करेंगे, आई थिंक किसको बिठाएंगे, शायद अय्यर को बिठाएं अगर ट्राई करना हो तो, आई थिंक अय्यर शायद जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सोच रहे हो कि सेकंड प्लेयर पे जाना है ना आपको, तो आप फिर थर्ड में मत जाओ फिलहाल, अब वर्ल्ड कप फिनिश हो जाएगा उसके बाद आप तिलक वर्मा पे चले जाना, पर अभी मत जाओ। फिर बुमराह हैं जो कि शायद ही खेले,
इनको लिया गया है टीम में, पर मेरे ख्याल से शायद ना भी खेले, क्योंकि चाहेंगे कि वर्ल्ड कप तक हमारी टीम ये फ्रेश अप रहे। तो ये तो रही हमारी टीम की बात। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। कैप्टन कमिंस वापस आ गए हैं, ट्रेविस हेड इंजर्ड हो गए हैं, तो ओपनिंग लग रहा है कि वार्नर मिच मार्श करेंगे, वन डाउन मेरे ख्याल से लैबुशेन स्मिथ। तो वार्नर जो कि काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहे थे भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सॉरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग करी है। मिच मार्श भी बहुत जबरदस्त लीथल फॉर्म में चल रहे हैं। मैंने जो कॉन्टेस्ट निकाला हुआ है उसमें काफी लोगों ने मिच मार्श को चुना है एज एन स्ट्राइक रेट के ऊपर। फिर आपके लैबुशेन है, और क्या बढ़िया किस्मत है बंदे की, टैलेंटेड भी है मेरे हिसाब से, खेलना चाहिए इसको, इसको और स्टीव स्मिथ को जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जब आप बड़े मैचेस में खेलेंगे ना तो आप सिर्फ हिटर के ऊपर जा नहीं सकते 50 ओवर में। आपको प्लेयर चाहिए जो आपको एक छोर आपको संभाल कर रखे 50 ओवर तक। सो यू नीड प्लेयर लाइक लैबुशेन स्मिथ, रूट, कोहली, विलियमसन, बाबर आजम, जो बिल्कुल खूंटा गांड के ना खड़े हो जाए एक तरफ कि यहाँ खड़े हैं हम और अब सामने वाले मारेंगे। पांच में मैक्सवेल वापस आ चुके भैया, और जबरदस्त करेंगे ये। मेरी मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि आईपीएल खेल खेल के इनका एक तरह से होम ग्राउंड ही हो चुका है इंडिया जो है, तो बढ़िया पिक है उस हिसाब से। बॉलिंग में भी कामयाब होंगे। एलेक्स कैरे जो कि थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड टाइप रहे हैं, रन बना देंगे भैया इंडिया में आके। और अभी जो सीरीज जो बॉलिंग सामने है, मेरे ख्याल आधी कच्ची बॉलिंग खेलेगी, प्लेयर भी उतना ज्यादा शायद एफर्ट ना मारे, तो मेरे ख्याल से रन बना देंगे। सेम ओवर स्टोनिस, अफ्रीका में तो इनकी बॉल बच गई, लेकिन यहाँ इनको बहुत मार पड़ने वाली है। अगर ये बॉलिंग करने आए तो सुताई होगी बढ़िया वाली इनकी। 8 पे कमिंस आपको मिलता है, एक और ऑलराउंडर, या आपने देखा वो कई बार ये बंदा मैच निकाल चुका है अपने बल्ले से। जो एशेज का फर्स्ट टेस्ट था, 10 पैसे का उड़ा था मैच, वो उसने अकेले ने उड़ा दिया भाई साहब। और उससे पहले भी कई बार बैटिंग में कर चुका है ये काम। एक बार शायद डेनियल सैम्स को 34 रन मारा था एक ओवर में, कोलकाता, हाँ कोलकाता तब से खेलते हुए। तो अच्छी हिटिंग कैपेबिलिटी है इनके पास। 9 पे मिच स्टार्क वापस आ गए हैं, 10 पे जैम्पा, हेजलवुड, तो इनकी टीम सेटल ही है। बॉलिंग मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ज्यादा अच्छी टीम लग रही है, अगर आप देखो कंपेयर करोगे इंडिया से, तो शायद फेवरेट भी खुल जाए या बहुत नंबर खुल जाए, क्योंकि इवन भाव खुले मेरे ख्याल से। उसके बाद कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे आपकी एक एरन हैडी जगह बनेगी नहीं, शॉन एबट है, मुझे लगता नहीं कि जगह बन पाएगी, या किसी की जगह ट्राई कर सकते हैं, स्टोनी से ट्राई कर लिया, एक आधा कोई चेंजेस हुआ तो हुआ, वरना ये टीम रहनी है। जॉश इंग्लिश है, मुझे उतने पसंद नहीं है खिलाड़ी ये, ऑस्ट्रेलिया रन बना देते हैं बिग बैश में, लेकिन आपने देखा कि यहाँ तो स्ट्रगल किया है इन्होंने। उसके बाद नथान एलिस, ये तो बहुत लंबी दूर की कोड़ी वाला प्लेयर है, जब भी पिच में थोड़ा बहुत हेल्प होता है तो ये अच्छी बॉलिंग करता है काफी। उसके बाद तनवीर संघा जो कि स्पिन आपका स्पिनर है, खेलेगा तो बहुत मार खाएगा, यहाँ पे इसकी खाल उधर के भेज देंगे। उसके बाद आते हैं स्पेंसर जॉनसन, बाउंसी विकेट पे अच्छा किए हैं, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में आएंगे तो कुटाई हो जाएगी भैया आपकी। मैथ्यू शॉर्ट, ये भी पावर प्ले टाइप के प्लेयर है, फास्ट अच्छा खेलते हैं, स्पिनर पे फंसते हैं। कैमरून ग्रीन, ये तो टैलेंटेड ऑलराउंडर है भाई, लेकिन जगह कहाँ बनेगी सवाल यही है। मेरे ख्याल से जैसा ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच है, हो ये भी सकता है कि लैबुशेन को ड्रॉप कर दें और कैमरून ग्रीन को अंदर लेके आ जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। देन प्रेडिक्शन की बात करें तो हाई स्कोर ऑन द कार्ड से, क्योंकि जो मैचेस हैं वो मोहाली वगैरह में है, तो अच्छे रन बन सकते हैं। ट्रेडिंग सीरीज मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड है, यानी कि आपको काफी अच्छे मैचेस बहुत सारे मिलते हुए देखने मिल जाए। मेरे ख्याल से देखो माफिया जो है इस सीरीज के थ्रू पैसे इन्फ्यूज करेगा मार्केट के अंदर, ताकि वर्ल्ड कप में कुछ आपको रंगोली टाइप चमक दमक दिखे, तो जो लो ऑड्स होंगे उस पर नजर जरूर रखेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।